गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग अकेडमी मैं हूँ आपके एजुकेटर नेहा सैनी आज का टॉपिक है डिजीज एंड इट्स कोर्स इन द फर्स्ट पार्ट वी ऑलरेडी डिस्कस हेल्थ एंड डिजीज एंड वॉट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट देल्थ ओके सो द फर्स्ट पार्ट लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट देन प्लीज चेक ओके सो so, आज हम डिस्कस करेंगे आपका डिजीज एंड इट्स कॉजिज तो सबसे पहले हम डिजीज़ को डिस्कस करते हैं डिजीज़ क्या होती है देखो डिजीज़ का मतलब ही क्या है कि विदाउट ईज और डिस्कम्फर्ट यानी कि आपके आपको जो जो चीज़ डिस्कम्फर्ट कर रही है आपकी बॉडी जब प्रॉपरली काम नहीं कर रही है वो क्या है डिजीज़ है ठीक है चाहे वो किसी साइकोलॉजिकल की वजह से हो फिजियोलॉजिकल की वजह से हो या किसी चीज़ की कमी की वजह से हो चाहे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो ठीक है चाहे आप प्रॉपर डाइट ना ले रहे हो चाहे किसी पैथोजन ने आपको इन्फेक्ट कर दिया है ठीक है तो ये सभी जो आपके कॉजेज हैं ये सभी आएंगे आपके डिजीज़ के अंदर ठीक है तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं जो भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है जो भी हेल्थ आपकी हेल्थ पे नेगेटिवली इफेक्ट डाल रही है वो चीज़ें क्या है वो आपकी डिजीज है ठीक है सो सिकनेस इलनेस अलाइनमेंट और डिजीज इज एन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म भाई ये सभी चीजें क्या करती हैं एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है उसकी हेल्थ को इफेक्ट करती है ठीक है सो इट हैज़ ए स्पेसिफ़िक कॉज एंड इट कैन रिकॉर्गनाइज बाई पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम देखो हर एक चीज का क्या होता है पर्टिकुलर साइन और सिम्टम होता है कोई भी डिजीज़ अगर होती है तो वो एकदम से नहीं होती है ठीक है वो पहले आपको साइन देती है सिम्टम्स देती है उसके बाद वो डिज़ीज़ प्रॉपरली अपना पूरा रूप दिखाती है तो सबसे पहले वो छोटे छोटे साइंस देती है जैसे मान लो आपको जुकाम होने वाला है ठीक है कॉमन कोल्ड होने वाला है अच्छे वाला ठीक है तो उससे पहले आपको थोड़ी सी इरीटेशन होती है नोज में और गले में थोड़ी सी खराश होती है ठीक है और हल्का हल्का सा फीवर उसके बाद आपका पूरी एक अच्छे से मतलब पहले दिन तो ये होता है फिर आगे जाके सेकंड टू थर्ड डे बहुत अच्छे से वो आपका कॉमन कोल्ड होता है ठीक है उससे और भी आप चीज़ें देख सकते हो जैसे कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स ठीक है जो आपके दांत हैं वहाँ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है भाई आपके दांतों में प्रॉब्लम है आपको जाके डॉक्टर को चेक कराना चाहिए ठीक है आपके जो नेल्स हैं ठीक है जो नेल्स हैं ये भी आपके बहुत चीज़ें बता देते हैं नेल्स अगर वाइट हैं इसका मतलब क्या है आपके अंदर खून की कमी है तो ये जो बॉडी आपकी पूरी बॉडी आपके हर एक चीज़ को बता देती है कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है सिर्फ हमारे देखने का मतलब हमें पता होना चाहिए कि इस इस चीज़ से ये चीज़ इफ़ेक्ट होती है ठीक है सो so, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी हमेशा हमें साइन और सिम्टम्स देती है कोई भी डिजीज़ हो, डिजीज हो कोई भी डिजीज़ हो कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं होती है जो साइन एंड सिम्टम ना शो करती हो पहले ठीक है चाहे वो कम शो कर रही हो पर वो शो ज़रूर करती है आपकी बॉडी थकान पूरे दिन थकी थकी रहती है ठीक है कुछ काम करने का मन नहीं करता है आप ना ही कोई एक्सरसाइज कर रहे हो फिर भी आपको टायर्डनेस हो रही है तो इसका मतलब क्या है आपकी जो बॉडी है ठीक है वो क्या मांग रही है वो न्यूट्रिशन मांग रही है ठीक है आपकी बॉडी में जो आर है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया है ओके इसके साथ साथ और भी कारण हो सकते हैं सो so, आपको डॉक्टर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपना चेकअप कराना चाहिए और जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना चाहिए ओके सो डिजीज कैन बी डिफाइंड एज एन इम्पेयर्ड माल फंक्शनिंग ऑफ ए नॉर्मल स्टेट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म तो डिस आप डिजीज को कैसे uh, समझ सकते हो डिजीज क्या है डिजीज माल फंक्शनिंग है आपकी नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ठीक है यानी कि जैसे आप नॉर्मली रहते हो अगर उसके अंदर माल फंक्शनिंग हो जाए मतलब वो अच्छे से काम ना कर रही हो आपके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं ठीक है आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है तो वो कि, वो किस कंडीशन है वो क्या कंडीशन है वो डिजीज़ की कंडीशन है ठीक है और इट मॉडिफाइज द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस यानी कि जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं जो आपके बॉडी टिश्यूज़ हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनको मॉडिफाई कर दे तो ये सभी किसके अंदर आते हैं आपके डिजीज़ के अंदर आते हैं बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इन्वॉर्मेंटल फैक्टर्स हो सकती हैं माल न्यूट्रिशन इंडस्ट्रियल हेजार्ट क्लाइमेट ठीक है इसके साथ साथ स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट जैसे कि वॉम प्रोटोजोआ फंजाई बैक्टीरिया वायरसेस ओके और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती है और मे बी कॉम्बिनेशन हो दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स का ठीक है जैसे कि आपके इन्वॉर्मेंटल फैक्टर्स के साथ साथ किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी है तो वो दोनों मिलकर क्या बना रही है एक डिज़ीज़ बना रही हैं ठीक है थीके? या फिर ये सिंगल ही सिंगल एक डिजीज कोर्स कर रहे हैं तो ये सभी क्या हैं आपके फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट दी डिजीज विच अफेक्ट दी हेल्थ ठीक है और कोर्स द डिजीज़ सो so, चलिए सबसे पहले अपना डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन डिजीज इन ह्यूमेंस भाई किस तरह की डिजीज होती हैं ह्यूमेंस के अंदर ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे हम कॉज पढ़ रहे हैं तो कॉज सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स तो सबसे पहले डिजीज़ है फिजिकल डिजीज़ फिजिकल डिजीज, डिजीज यानी कि आपकी बॉडी जो है टेम्प्रेरी या परमानेंटली बॉडी के जो पार्ट्स है वो डैमेज हो गए हैं जैसे कि बोन फ्रैक्चर होना ठीक है तो बोन जब फ्रैक्चर हो गई है चाहे वो टेम्प्रेरी या परमानेंट हो तो ये किसके अंदर आती है आपके फिजिकल डिजीज़ के अंदर आती है ओके सो नेक्स्ट है सेकेंड है आपका इन्फेक्श डिज़ीज़ इन्फेक्श डिजीज़ का कोज क्या होता है क्या कारण होता है इन्फेक्श डिजीज़ होने का बेसिकली इन्फेक्शन डिजीज तब होगी जब क्या हो रहा है आपको इन्फेक्शन हो रहा है किस चीज़ से इन्फेक्शन होगा जो ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं ठीक है चाहे वो खुद से एंटर कर रहे हो चाहे वो किसी वेक्टर की द्वारा एंटर कर रहे हो जैसे मॉस्किटो के द्वारा जो होते हैं वैक्टर्स एंटर करते हैं ठीक है तो ये सभी क्या है ये आपके क्या है इन्फेक्शस डिजीज़ है यानी कि जो भी डिजीज़ आपके बाय दी माइक्रो uh, ऑर्गेनिजम्स हो रही हैं ठीक है वो क्या है आपकी इन्फेक्शस डिजीज़ है और ये जो डिजीज होती हैं इनकी कुछ डिजीज़ क्या होती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज भी होती हैं इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं कि मान लो अगर किसी को कॉमन uh, कोल्ड oh, है ठीक है मान लो कॉमन कोल्ड है अगर किसी को तो अगर ये कॉमन कोल्ड अगर ये वाला जो इन्फेक्टेड पर्सन है ठीक है और ये नॉन इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पे खड़ा है अगर ये कॉमन कोल्ड वाला पर्सन यहाँ पे छींक दे ठीक है या अपने जो गंद मतलब गंदे हाथ है वो इस इन्फेक्टेड पर्सन को लगा दे तो चांसेस हो चांसेस बढ़ जाते हैं इस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन होने के ठीक है जैसे बोलते हैं ना कि मान लो किसी को बॉडी बो, पे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है ठीक है डेंड्रफ का भी यही केस होता है डेंड्रफ में भी क्या बोलते हैं कि मान लो अगर किसी को डेंड्रफ हो रहा है तो उस इंसान के अगर कांटेक्ट में जो सेकेंड पर्सन है ठीक है अगर उसकी स्काल्प उसके कांटेक्ट में आ जाए मतलब जो सर है ना वो सर उसके कांटेक्ट में आ जाए डेंड्रफ वाले इंसान के तो उसको भी डेंड्रफ हो सकता है ठीक है उसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं डेंड्रफ़ होने के तो ये सभी क्या है आपकी इन्फेक्शस डिजीज़ है बेसिकली इसमें बहुत कॉमन और जो डिज़ीज़ आपकी जाने जाती हैं ठीक है ठीके? वो क्या है आपकी टाइफाइड डायरिया मलेरिया हिपेटाइटिस रेबीज ट्यूबर क्लोसिस इन्फ्लुज़ा कोलेरा ठीक है तो मोस्ट ऑफ द डिज़ीज़ क्या होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं ठीक है ठीके? तो चलिए ये जो डायग्राम है ये छोटा सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये वाला ये टी का है जो जिसमें क्या होता है लंग में इन्फेक्शन होता है ठीक है और इसके अंदर जब जो पर्सन है वो खांसता है तो उसमें ब्लड भी निकल के आता है ठीक है सीवियस कंडीशंस में सो नेक्स्ट ये आपको मलेरिया का दिख रहा होगा ठीक है तो ये मतलब एक इंसेक्ट है जो कि एज एन वेक्टर कैरियर मतलब वेक्टर की तरह काम कर रहा है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से क्या कर रहा है हेल्थी पर्सन में ब्लड को इंजेक्ट करके उसको भी इन्फेक्ट कर रहा है ठीक है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आपके तो ये थी आपकी इन्फेक्शस डिजीज तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज ठीक है सो डेफिशेंसी डिजीज़ बेसिकली किसी भी चीज़ की डेफिशेंसी की वजह से हो रही है ओके okay? अच्छा सभी को पता है ना मलेरिया जो होता है वो कौन सा ऐसा मॉस्किटो है जो कि मतलब कैरी करता है उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म को जो कि कोज करता है आपका मलेरिया को पता है सभी को सभी लोग मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में ठीक है उस मॉस्किटो का नाम मुझे बताएंगे जो कि मलेरिया का जो इन्फेक्शन uh, है ठीक है जो मलेरिया के लिए जो बैक्टीरिया सॉरी बैक्टीरिया बोल रही हूँ ठीक है जो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है उसको कैरी करता है ठीक है तो सभी लोग मुझे आंसर देंगे मलेरिया आप सभी को पता होगा प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है ठीक है तो मैं उस मलेरिया वेक्टर का नाम जानना चाहती हूँ जो कि स्प्रेड होता है पीपल्स टू पीपल ठीक है वो जो मच्छर है उसका नाम हम मैं जानना चाहती हूँ ठीक है तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको आंसर दूंगी पर आप सभी लोग ट्राई ज़रूर करेंगे ठीक है तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ तो डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती हैं बेसिकली किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हैं ठीक है चाहे वो आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी हो चाहे वो आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो चाहे वो आपके मिनरल्स की डिफिशियंसी हो ठीक है आप यहाँ पर प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो ओके तो चाहे वो विटामिन की प्रोटीन्स की या मिनरल्स की किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी हो यानी कि आप प्रॉपर एक डाइट नहीं ले रहे हो तो उसको उससे जो डिजीज़ होगी वो होंगी आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ सो so बेसिकली सबसे पहले मैंने रखी हैं विटामिन की कमी से होने वाले डिजीजेस कुछ डिजीजे जो कॉमन डिजीजेज आपकी देखी जाती हैं ठीक है ठीके? सबसे पहले बैरी बैरी जो कि विटामिन बी की कमी से होती है नाइट ब्लेडनेस विटामिन ए की कमी से होती है स्क्रवी विटामिन सी की कमी से होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी ठीक है जब कोई इंजरी होती है तो आप सभी ने देखा होगा मान लो आपको कोई कट लग गया ठीक है तो जब वो कट लगता है तो कुछ टाइम बाद ठीक है वो जो ब्लड है वो अपने आराम से क्लोट हो जाता है और वो बंद हो जाता है निकलना ठीक है आपके फिंगर से या कहीं भी जहाँ पे भी कट लगा है लेकिन किसी किसी इंसान के या किसी किसी पर्सन के केस में क्या होता है जो ब्लड है वो रुकता ही नहीं है ओके मतलब वो क्लोट ही नहीं होता है तो बेसिकली ये किसकी कमी है विटामिन के की कमी की वजह से है ठीक है फिर नेक्स्ट है रिकिड्स विकिड्स आप सभी को पता होगा विटामिन डी की कमी से इसमें जो बोन्स होती हैं ना बिल्कुल मतलब बारीक बारीक सी ऐसी पतली सी और डिसफंक्शन सी रहती हैं ठीक है थीके? तो विटामिन डी भी जो कि सनलाइट्स आपको इजीली मिल जाता है तो सुबह की धूप और शाम की धूप हमेशा लेनी चाहिए अपनी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए ठीक है क्योंकि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो बेसिकली विटामिन डी से आपके प्रॉपरली फंक्शन करते हैं ठीक है थीके? तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर जो कि आपको सनलाइट से इजीली मिल भी रही है ठीक है तो मॉर्निंग में और शाम को आप इजीली विटामिन डी ले सकते हैं ओके चलिए नेक्स्ट आपकी अब ये जो डिजीज हैं ये आपकी आई मिनरल्स की कमी से हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहली है बोन टीथ एंड बैड टीथ एंड यानी कि अगर अच्छे दांत नहीं हैं तो मतलब जो टीथ हैं वो सही नहीं है या डिग्रेड हो रहे हैं ठीक है थीके? या टूट रहे हैं तो बेसिकली ये किसकी कमी है आपके फॉस्फोरस की कमी है ठीक है ये ब्यूटीफुल बोन नहीं है ब्रिटल बोन है ठीक है जो बोन्स है मतलब वो एकदम से चटक जाती है मतलब एकदम से जैसे बहुत ही हल्की बोन नहीं होती मतलब टूट जाती है कि तो उसमें किसकी कमी है कैल्शियम की जिसलिए तो बोला जाता है कि कैल्शियम मतलब दूध पीना चाहिए कैल्शियम लेना चाहिए बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए ओके नेक्स्ट एनीमिया एनीमिया यानी कि आपके जो आरबीसीज़ हैं ठीक है थीके? उसमें किसकी कमी हो रही है आयरन की कमी हो रही है ठीक है नेक्स्ट ग्वाइटर यानी कि ग्वाइटर का मतलब है जो आपके आपने देखा होगा गले पे होता है वो बेसिकली आयरन की कमी की, की वजह से होता है ठीक है तो नेक्स्ट है आपकी जो थर्ड वन आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये वाले डिजीजें बेसिकली प्रोटीन की कमी से होती हैं ठीक है थीके? जैसे कि क्वाइशर मैरामस इम्पेयर्ड मेंटल हेल्थ शिंकेज मशल टिश्यू ये बेसिकली किसकी कमी से हैं आपकी प्रोटीन्स की कमी से हैं है, ओके ये होती हैं आपकी प्रोटीन की कमी से आप जितने नाम याद रखना चाहो उतने रख सकते हो ज़रूरी नहीं है सारे ही लिखो दो दो नाम भी याद रख लोगे काफ़ी हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है इन्हेरिटि डिजीज इन्हीटि डिजीज़ का मतलब है कि जो डिफेक्टिव जीन है वो पासड हुआ है पेरेंट से ऑफ़ स्प्रिंग के अंदर ठीक है यानी कि कोई डिफेक्टिव जीन अगर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर पास हो रहा है यानी कि जेनेटिक डिजीज़ हम इसको बोल सकते हैं इनहेरिटिव डिजीज़ का मतलब यही है कि एक जनरेसन से नेक्स्ट जनरेशन में जो डिफेक्टिव uh, मतलब कोई भी जीन जब पास होता है उसको हम इनहेरिटेड बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे इनहेरिटेड डिजीज लग गया है तो डिजीज़ का मतलब क्या है कि कोई भी आपका डिफेक्टिव जीन पास हुआ है अब यहाँ पे पेरेंट्स से ऑफिस के अंदर तो बेसिकली इसके अंदर जो डिजीज होती है हीमोफीरिया सिकल सेल साल सिस्टिक फाइब्रोसिस ओके दैन नेक्स्ट वन है डी जेनरेटिव डिजीज़ डी डिजीज़ क्या होती है देखो हमारी बॉडी जो है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स से बिल्कि मिलकर बनी हुई है ठीक है तो ये जो सेल्स होती है हमारी बॉडी की बेसिकली मतलब टाइम के साथ साथ एज के साथ साथ डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है मतलब इनका आ, जैसे मतलब एक इंसान क्या मतलब एक पर्सन बर्थ लेने के बाद डेथ पे एक उसकी लास्ट स्टेज होती है ऐसी जो सेल्स हैं वो भी क्या होती हैं कुछ टाइम बाद वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है और फिर उन फिर क्या होता है नई मतलब नई सेल्स बनती रहती हैं पुरानी सेल्स आपकी आ, मरती रहती हैं ठीक है थीके? तो ये प्रोसेस नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर चलता है लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में आ, जो बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही हैं ठीक है थीके? टाइम से पहले बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है तो उसकी वजह से भी डिजीज़ होती है जो कि है डिजेनरेटिव डिजीज़ ठीक है तो इसमें आता है अर्थराइटिस पुअर साइट ठीक है ही की प्रॉब्लम यानी कि सुनना बहुत कम हो जाता है बहुत ही कम उम्र में ठीक है तो एल्जाइमर डिजीज़ ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ का मतलब है कि जो इसके न्यूरोन हैं वो क्या होता है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता है ठीक है नेक्स्ट है मेंटल डिजीज़ मेंटल डिजीज़ बेसिकली ब्रेन डैमेज या फिर साइकोलॉजिकल हो सकती हैं ठीक है ठीके? तो या तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है या फिर साइकोलॉजिकल की मतलब वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सोचता है किसी चीज़ को या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ठीक है ठीके? तो उसमें डिप्रेशन एंड पैरानोमिया पैरानोया ठीक है पैरानोया जो होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं पागलपन तो ये ये दोनों जो डिजीज़ हैं ये क्या है आपकी मेंटल डिजीज़ है ठीक है सो ये था आज का आपका लेसन जिसमें आज हमने डिस्कस किया डिजीज एंड इट्स कॉजिज आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा होगा सो इफ़ यू लाइक दी लेसन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस लर्निंग अकेडमी सो थैंक यू एवरी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में